हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के प्रैक्टिस सेट को हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 6 को भी सोल्व कर चुके हैं। पार्ट 6 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है, आज हम पार्ट 6 के जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चंस तक। इससे पहले वीडियो में हम सोल्व कर चुके हैं, तो पार्ट 6 के 21st क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। 21st क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी को जब चार्ज कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के बाद पॉजिटिव प्लेट पर क्या रिजल्ट मिलता है। लेड एसिड बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो उसमें रिएक्शन चलती है कि जो लेड सल्फेट होता है, जल के साथ क्रिया करने पर लेड परोक्साइड बनाता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए। कैथोड पर जब लेड सल्फेट की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो उसमें लेड बनता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ बात की गई है एनोड की। एनोड के लिए क्या होगा कि लेड परोक्साइड बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्पॉन्ज लेड। स्पॉन्ज लेड तो एक गलत आंसर होगा क्योंकि स्पॉन्ज लेड से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। जो प्लेट्स बन रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, वो स्पॉन्ज लेड से बनी होती है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है लेड परोक्साइड। लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय जो रिएक्शन चलती है लेड सल्फेट की जल के साथ, तो वो लेड परोक्साइड बनाता है एनोड पर। जब बैटरी को बनाया जा रहा होता है, डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें रेड लेड की प्लेट्स लगे होते हैं, मतलब स्पॉन्ज लेड के प्लेट लगे होते हैं जिनके ऊपर रेड लेड का पेस्ट होता है और साथ में उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड रेड लेड के संपर्क में आता है तो लेड परोक्साइड और लेड सल्फेट के रूप में विभाजित हो जाता है, साथ में मिलता है हमें जल। तो क्या होगा, जब फॉर्मिंग कंडीशन चल रही है, सबसे स्टार्टिंग में जो रिएक्शन चलती है, तब लेड सल्फेट हमें मिलता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है लेड सल्फेट प्लस वाटर। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो 21st का बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 22nd क्वेश्चन, वाई द वेंट प्लग इज कैप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी को चार्ज करते समय जो वेंट प्लग होता है उसे खुला क्यों रखते हैं। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है, ब्लास्ट होने की संभावना होती है, तो हम क्या करते हैं, जो वेंट प्लग होता है उसको खुला रख देते हैं ताकि जो गैसेज उसमें बन रही हैं, हार्मफुल जो गैसेज बन रही हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो बाहर निकल सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया टू एस्केप द गैस फ्रीली, कि जो उसमें गैस बन रही है वो आसानी से मुक्त हो जाए। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया टू एलो ऑक्सीजन एंटर इनसाइड, कि ऑक्सीजन को एंटर करने देता है वेंट प्लग। बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेंट प्लग के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट को चेक नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया टू चेक द कलर चेंजेस इन द प्लेट्स, जी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। वेंट प्लग को खुला इसलिए रखते हैं कि ताकि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें हार्मफुल गैसेस बन रही हैं उन गैसों को फ्रीली बाहर जाने दें। 23rd क्वेश्चन, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए लो करंट पर किसी बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो वो किस मेथड में आता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेक्टिफायर मेथड। बैटरी चार्जर होता है, वहाँ रेक्टिफायर लगे होते हैं जो SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डायोड के द्वारा बना होता है, जो AC को DC में चेंज करता है। तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ये ट्रिकल चार्जिंग मेथड क्या होता है, एक लंबे टाइम के लिए कम धारा दी जाती है किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ट्रिकल चार्जिंग मेथड कहलाता है। और हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया है कि बैटरी को कम धारा देनी है और एक लॉन्ग पीरियड के लिए देनी है, मतलब वो ज़्यादा अधिक समय तक कम धारा पर चार्ज हो, तो वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड कहलाता है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया कॉन्स्टेंट करंट मेथड। कॉन्स्टेंट करंट मेथड में बैटरी को चार्ज करते समय करंट को कॉन्स्टेंट रखा जाता है, और इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं एक से अधिक बैटरी को एक साथ हमें चार्ज करना हो, तो हम कॉन्स्टेंट करंट मेथड का यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कॉन्स्टेंट पोटेंशियल मेथड। नाम से ही समझ आ रहा है कि जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो वोल्टेज का मान कॉन्स्टेंट रखा जाता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 24th क्वेश्चन, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें हार्ड सल्फेशन दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। हार्ड सल्फेशन दोष होता है कि जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के बाद वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही कि हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, यूजलेस कंडीशन में पड़ी है, तो उसमें प्लेटों के ऊपर सल्फेट की परत जम जाती है, जो लेड सल्फेट होता है वो टाइट होने लगता है, तो वो हार्ड सल्फेशन दोष कहलाता है। अब हार्ड सल्फेशन दोष को यदि दूर करना है तो हम ट्रिकल चार्जिंग को अपनाते हैं कि उसे एक लंबे टाइम के लिए बहुत कम करंट दिया जाता है, तो इस दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं, इस दोष को ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया चेंजिंग विद न्यू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज करेंगे तो वो तो प्लेट्स के ऊपर सल्फेशन जमा है, तो इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया रिप्लेसिंग विद न्यू इलेक्ट्रोड्स, नए इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर देंगे, मतलब वहाँ उन पुराने इलेक्ट्रोड्स को लगा के न्यू इलेक्ट्रोड को हम लगा देंगे। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट लो करंट। बैटरी को रिचार्ज किया जाता है एक लंबे टाइम के लिए और लो करंट पर, जिसे हम ट्रिकल चार्जिंग भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। इससे हम हार्ड सल्फेशन जो दोष आया है उसको ठीक कर सकते हैं। डी ऑप्शन दिया रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई करंट।
एक शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा करंट देकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, वो बूस्ट चार्जिंग होती है। बूस्ट चार्जिंग का हम यूज़ हार्ड सेल फिशन के लिए नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 25th क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ यूज एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो एनोड के रूप में यूज़ किया जाता है वो सिल्वर ऑक्साइड होता है, और कैथोड के रूप में हम जिंक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिंक, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा, कैथोड के रूप में हम जिंक का यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन दिया है कॉपर, कॉपर का यूज़ में नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन दिया है कार्बन, कार्बन का यूज़ भी हम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में नहीं करते हैं, कार्बन का यूज़ ड्राई सेल में किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में एनोड के रूप में किया जाता है, ना कि कैथोड के रूप में, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 26th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। चांदी जो होती है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.00, ये तो गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 0.01182, सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन दिया है 0.1182, ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है 1.182 मिलीग्राम पर कूलाम, तो डी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा, जो चांदी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 1.1182 होगा, तो 26 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन के बाद जो नेगेटिव प्लेट होती है उस पर क्या रिजल्ट हमें मिलता है? बैटरी को चार्ज करते समय जो केमिकल रिएक्शन चलती है, डिस्चार्ज होते समय भी लेड एसिड बैटरी में उसके अपोजिट वही रिएक्शन चलती है। तो क्या होता है कि एनोड के लिए जो रिएक्शन होती है, लेड परोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो लेड सल्फेट और जल बनता है। ऐसे कैथोड पर जब लेड और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया होती है तो कैथोड पर लेड सल्फेट बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट ऑप्शन दिया स्पॉन्ज लेड, ये तो गलत होगा, इसकी तो प्लेट्स बनती हैं, स्पॉन्ज लेड से प्लेट बनाई जाती है। बी ऑप्शन दिया है लेड परोक्साइड, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो एनोड पर हमें लेड परोक्साइड मिलता है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है लेड सल्फेट, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कैथोड पर हमें लेड सल्फेट मिलता है, मतलब जो नेगेटिव प्लेट होती है उस पर लेड सल्फेट मिलता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया लेड सल्फेट प्लस वाटर, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 28th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर का क्या पर्पज है? लेड एसिड बैटरी में दो प्लेट्स होती हैं, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, तो दोनों को यदि ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, तो हम बीच में क्या करते हैं, सेपरेटर लगा दिया जाता है। यदि प्लेट्स के बीच में सेपरेटर लगे हैं तो उनमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट से उन प्लेटों को बचाया जा सकता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको पाथ प्रोवाइड कराने के लिए, ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फर्मली, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है उनको होल्ड करने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है उनमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इन अ सीक्वेंस एरे, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सीक्वेंस में रखने के लिए सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 29th क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, पर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, जो वातावरण में दाब होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एक सही आंसर है जिससे इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं। सी ऑप्शन दिया एनीमामीटर, एनीमामीटर के द्वारा वाइंड की स्पीड, मतलब हवा की स्पीड को मापा जाता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, जो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है उससे लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज को मापा जाता है, कि वो कितना वोल्टेज है, बैटरी चार्जिंग कंडीशन में भी है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ऐसे हम वोल्टेज को मापते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 30 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर का सर्किट दिखाया गया और पूछा गया है किस प्रकार का इन्वर्टर सर्किट है, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये जो इन्वर्टर सर्किट डायग्राम है इसमें डायोड कनेक्ट है और साथ में SCR कनेक्ट है, ये SCR लगे हैं, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ड्राइवन इन्वर्टर, ड्राइवन इन्वर्टर नहीं है, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है SCR यूज इन्वर्टर, नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जहाँ इन्वर्टर में SCR का यूज़ किया जाता है, तो हमने देखा है कि यहाँ SCR कनेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा, कि जो
ये इन्वर्टर का डायग्राम दिखाया गया है वो SCR यूज इन्वर्टर है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर। जो सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर होता है उसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, मतलब एक सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्टर, इसमें SCR का यूज़ ना करके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। हमें जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है ये SCR यूज इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 31st क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है। पहले वीडियो में हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं कि बकलिंग दोष क्या होता है। जब लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोड्स मुड़ जाते हैं उस लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि यदि इलेक्ट्रोड्स मुड़ गए हैं, इलेक्ट्रोड्स का मुड़ना बकलिंग दोष कहलाता है, तो ये ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी ऑप्शन एक गलत आंसर है कि इलेक्ट्रोलाइट की ताकत कम हो जाती है तो बकलिंग दोष नहीं होता है। सी ऑप्शन दिया है मेकिंग शॉर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो शॉर्ट बन जाते हैं, मतलब एक शॉर्ट पाथ हो जाता है, तो उस दोष को हम सेडिमेंटेशन या पार्शियल शॉर्ट दोष कहते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 32nd क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, सर्किट का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या है। 3 batteries 1.5 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज, 3 battery है जो 1.5 वोल्ट की है वो सीरीज में कनेक्ट है। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं जिसमें 3 battery है 1.5 वोल्ट की, तो वो तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। सीरीज में जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो जितनी भी बैटरी कनेक्ट है उन सबका सम, टोटल सम, टोटल वोल्टेज कहलाती है, तो सारी बैटरी को ऐड कर देना है, पर जैसे जैसे टर्मिनल मिलते जाते हैं उसी टर्मिनल के साइन के अकॉर्डिंग हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो प्लस 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट जो बैटरी कनेक्ट है, जो सेल कनेक्ट है, उसका नेगेटिव टर्मिनल हमें मिला है, मतलब रिवर्स कंडीशन में जोड़ी गई है, तो -1.5 वोल्ट। नेक्स्ट जो बैटरी आती है प्लस 1.5 वोल्ट, तीनों को ऐड कर देंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी टोटल आउटपुट वोल्टेज आती है वो आती है 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन दिया है 1.5 वोल्ट, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। अब यहाँ जो निम्मी द्वारा आंसर की दी गई है उसमें आंसर दिया है 4.5 वोल्ट, जो कि एक गलत आंसर होगा। यदि ये तीनों सेल एक ही क्रम में जुड़े होते, एक सीक्वेंस में, रिवर्स पोलैरिटी में ना जोड़ा जाता तो उनका टोटल वोल्टेज 4.5 वोल्ट होता, तो अभी जो आंसर है 1.5 वोल्ट है, डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 33rd क्वेश्चन, विच इज़ यूज एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इन अ ड्राई सेल, जो ड्राई सेल होता है शुष्क सेल उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। जो ड्राई सेल बनता है वो जिंक के सिलेंड्रिकल पोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, जो ये सिलेंड्रिकल पोर्ट है जिंक का वो कैथोड के रूप में भी काम करता है। इसके बीच में कार्बन की एक छड़ स्टेबल की जाती है जो एनोड का काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिंक, तो जिंक एक गलत आंसर होगा, जिंक को कैथोड के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी दिया है कार्बन, कार्बन को एनोड के रूप में यूज़ किया जाता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 34th क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ़ लोड इंक्रीजेज, किसी भी सेल में यदि लोड को बढ़ाया जा रहा है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। अब यदि लोड बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज पे इफेक्ट होगा कि टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, और यदि लोड को कम किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज, लोड को बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीजेज, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है डिक्रीजेज, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है कि यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कम मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है फॉल्स टू जीरो, अब टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल जीरो तो नहीं हो जाएगी, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है रिमेन्स सेम, वो सेम भी नहीं रहती है, जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज हमें कम मिलती है, तो डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। 35th क्वेश्चन, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल में जो लोकल एक्शन दोष होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। वोल्टेइक सेल में जो लोकल एक्शन दोष होता है वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि वोल्टेइक सेल में जिंक में जो अशुद्धि होती है वो कार्बन के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर छोटे छोटे सेल बना लेते हैं, और इन्हीं सेलों से जब छोटे छोटे सेल या छोटा पाथ मिल रहा है तो करंट इन्हीं सेलों से फ्लो होने लगती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत वेस्ट होती है, ये दोष लोकल एक्शन दोष कहलाता है। तो इस दोष को रोकना है जो जिंक होता है उसका अमल गमनेशन कर दिया जाता है, जिंक के ऊपर पारे की एक परत चढ़ा दी जाती है, वो अमल गमनेशन प्रोसेस कहलाता है, तो ऐसा करने से लोकल एक्शन दोष को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज, जो सेल्स होते हैं उनको सीरीज में जोड़ने से, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है बाय यूजिंग अ डीपोलराइजिंग एजेंट,
एक विध्रुवण एजेंट का उपयोग करके, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल में यदि बैटरी को जोड़ना है तो उससे भी लोकल एक्शन को दूर नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है बाय अमलगेमेटिंग द जिंक प्लेट, जिंक का अमलगमनेशन करने से लोकल एक्शन दोष को रोका जा सकता है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फॉर्मूला एम इज इक्वल टू जेड आई टी। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है मिसप्रिंट हुआ है, एम बराबर जेड अपॉन आई टी, ये गलत है। जो फेराडे का फर्स्ट लॉ होता है वो होता है एम बराबर जेड आई टी, तो उसमें जेड जो अक्षर होता है वो क्या दर्शाता है? हमें पता है एम क्या होता है, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका द्रव्यमान है। जेड क्या होता है वहाँ, ई सी ई मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का। आई टी होती है वहाँ करंट की मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन दिया टाइम इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में जो समय को प्रदर्शित किया जाता है वो टी से किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया ई सी ई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जेड से इलेक्ट्रोलाइट के ई सी ई को दर्शाया जाता है। सी ऑप्शन दिया है अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मास डिपॉजिट इन ग्राम्स, जो डिपॉजिट मास है जमा हुआ द्रव्यमान है वो ग्राम में मापा जा रहा है, उससे एम से डिनोट करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो जो कॉपर का ई सी ई होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो होता है 0.3293 मिलीग्राम पर कूलाम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी भी दिया है ऐसे ही, बी ऑप्शन भी दिया है 0.329, पर वहाँ क्या दिया है ग्राम पर कूलाम, तो इसलिए गलत होगा। ई सी ई जो होता है मिलीग्राम पर कूलाम में होता है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। ये सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 38th क्वेश्चन, विच इज़ द कॉज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में यदि बकलिंग दोष आ गया है तो उसको कैसे दूर किया जाता है? बकलिंग दोष क्या होता है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें प्लेटें मुड़ जाती है, तो उसको उस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है चार्जिंग विद लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, कि कम समय के लिए और कम ही दर से चार्ज करना है, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट्स, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, ये सेडिमेंटेशन दोष होता है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा, ये कोई निवारण नहीं है। डी ऑप्शन दिया बैटरी इज कैप्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, बैटरी को एक लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज की कंडीशन में रखा जाता है तो वो सल्फेशन दोष होता है, कोई निवारण नहीं होता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 39th क्वेश्चन, विच अपार्टस इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग कंडीशन को चेक करना है तो किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को जांच सकते हैं, बैटरी की जो वोल्टेज है उसकी चार्जिंग कंडीशन को नहीं जांच सकते हैं, उसके लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के द्वारा भी बैटरी की वोल्टेज चार्जिंग कंडीशन को नहीं जांचा जाता है। मल्टीमीटर होता है जिसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को भी माप सकते हैं, मतलब मल्टी क्वांटिटीज़ को माप सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, करंट है, डीसी करंट है या एसी करंट, सारी क्वांटिटीज़ को मापते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापा जाता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, जो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है उसके द्वारा हम बैटरी की वोल्टेज को चार्जिंग कंडीशन में जांच सकते हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 40th क्वेश्चन, विच पार्ट इज लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन के दौरान कौन सा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन खोता है? अब यदि जो पार्ट इलेक्ट्रॉन खो रहा है मतलब वो एक डोनर है, दाता है, तो वो कौन होता है? एनोड होता है, कैथोड तो ग्रहण करता है, एनोड मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, तो वो डोनर होता है मतलब वही इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कैथोड एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैथोड, तो ये ऑप्शन तो गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया एनोड, एनोड एक सही आंसर है। सी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर जो एक लिक्विड भरा जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, तो मतलब विद्युत अपघटय कहते हैं, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया सेपरेटर, सेपरेटर होते हैं जो लेड एसिड बैटरी में प्लेट्स के बीच में लगाए जाते हैं, जो शॉर्ट सर्किट होने से दोनों प्लेट को बचाता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो आज इस वीडियो में हमने पार्ट 6 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब इन 40 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप गूगल फॉर्म से अपनी तैयारी करें और तैयारी को और बेस्ट बनाएं।